गाइस, मेरा नाम इमरान शेख और आप देख रहे हो इमरान 16। जहां मैं आज खड़ा हुआ है रेसोनेंस म्यूजिकल्स चेंबूर। और बहुत पहले भी हम यहां पर आ चुके थे गिटार खरीदने के लिए, वो वीडियो बहुत ही अच्छा गया, बहुत अच्छा आउटपुट मिला, तो हमने सोचा कि एक नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख ले। तो सीखने के पहले खरीदना पड़ता, हम अंदर जाएंगे जाके लेंगे कजौन, ना कजौन कुछ ऐसी है अजीब सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो अभिषेक को चाहिए, और अभी जाके हम देखेंगे अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे गिटार हैं और हमने पहले परचेज किया था ये वाला, लेकिन वो मैट ब्लू में था, अभी ये मैट रेड में है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में बात करेंगे गिटार के बारे में। तो सर जी, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जिनको लगता है ये है कि जो गिटार्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो सपने रहते हैं वो बुनने से पहले ही मार दिया जाता है। तो आप बता सकते हो कि गिटार स्टार्टिंग रेंज कैसा है? अपने पास 3500 है, 3500 बजट के हिसाब से। तो सबसे मैक्स वाला मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स भी रहेंगे आपके पास? जो प्रोफेशनल है उनके लिए परफेक्ट है। रेंज तो है काफी सारा, जैसे ब्रांडेड में यामा है, कॉर्ट है, कॉर्ट का है, ये भी इंटरनेशनल ब्रांड है। ओके, इसमें सेमी अकॉस्टिक है, इसमें पिकअप भी लगा हुआ है। ओके, मतलब आप इधर से ट्यून कर सकते हो। कभी पिकअप लगा के मैं शो वगैरह में प्ले करना है। गुड, इसमें आप जैक है, प्रॉपर सेमी अकॉस्टिक बोलते हैं इसको। आपने मतलब बताया 3800 और उसके ऊपर अगर कुछ 4000 4500 ये भी अच्छा है। और कलर तो बड़ा ही प्यारा मैट है, मैट ब्लैक। 40 साइजेस है। ओके, 40 फुल साइज। ओके, साउंड क्वालिटी का बिगनर के लिए भी आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो आपने मुझे गिटार बता दिया, लेकिन इधर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और भी है। हाँ, जैसा अभी यहाँ पे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तानपुरा है, सितार है, तानपुरा एंड सितार, यहाँ पे क्लासिकल पूरा है, तबला है, हारमोनियम्स है। ओके, सब रेंज, हारमोनियम, तबला, वो एक हारमोनियम डिस्प्ले कितना अच्छा लग रहा है, उसका स्टैंड के साथ है। ओके, फिर इधर परकशंस में है, जैसा ये क्लब बॉक्स बोलते हैं जिसको। अच्छा हाँ, वो कजौन जो लेने आए थे। ओके, ये हाँ इलेक्ट्रिक के बारे में आपने बताया नहीं। इलेक्ट्रिक में भी बताएगा, इलेक्ट्रिक में जैसा ये फेंडर है, ये भी इंडोनेशिया मेक है, यूएस का ब्रांड है। इसमें कैसा पिकअप का अलग अलग ये रहता है, सिंगल सिंगल, ये सब ब्लूज बॉलीवुड प्ले करना है तो ये गिटार प्रिपेरेबल रहता है। ओके, थोड़ा हैवी मेटल में अगर जाना तो इस टाइप के पिकअप्स लगते हैं, हैवी मेटल वाला। हैवी मेटल, इसमें कहते हैं हम्बर कवर है, जो जैज ब्लूज वगैरह मेटल प्ले करते हैं उनके लिए पिकअप प्रिपेरेबल होता है। सो हाउ मच फॉर दिस? दिस इज कॉस्टिंग 14500। 14500 फेंडर का, 13500। ओके, फेंडर मैंने नाम चीन बहुत ज्यादा सुना, फेंडर का फेंडर आता है, इबनीज आता है, कॉर्ट आता है, ऑल ब्रांड्स में आता है। ओके, बहुत सारा ब्रांड्स है, ईएसपी का है। ओके, इंजन में हॉबमर भी है, किसी को बेसिक बेचाए तो ट्रैवलिंग वाला छोटा सा। ओके, फिर यहाँ पे माइक सारे हैं, ड्रम्स पैड है। ओके, सेकेंडरी यहाँ पे मेलोडी का जो माउथ से प्ले करते हैं। ओके, ठीक है, वो जो कजौन था वो आप बता दीजिए वो कैसा होता है। ये कजौन है, जैसा बैठ के बजाते हैं।
ओके परकशन जैसा छोटा मोटा प्रोग्राम से उसमें बैठ के बजाते जैसे पार्टी वगैरह हो गया उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इसे कैरी करा जा सकता है इजीली इजी कैरी है देन छोटा मोटा फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं सो हम ये खरीदना है आप जरा कुछ प्ले करिए ना बेसिक एक्चुअल एडजस्टेबल आप लेंगे तो एनी म्यूजिक के लिए यूज होता है अच्छा एडजस्टेबल भी है एडजस्टेबल ओके वो वाला बताइए इसमें कैसा है एडजस्ट करके आप प्ले कर सकते हैं दिखाना अभिषेक जैसा भी इसमें बेस बज रहा है स्नेयर अभी जैसा इसको आप करेंगे तो स्नेयर का एंड बेस का साउंड आएगा ओके तो बहुत ऑप्शन जैसा एनी सॉन्ग्स में आपको यूज करना है अच्छा तो एडजस्टेबल थोड़ा बेटर रहेगा ओके तो ठीक है ये तो हम देखेंगे लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जो रेसोनेंस म्यूजिकल्स है ये सिर्फ मुंबई में एक है या और भी ब्रांचेस है ग्रैंड ब्रांच है जो वाशी में है ओके वाशी में भी है यस यस वाशी में भी और हमारा सर्विस सेंटर भी है इधर के स्टार के बैक साइड ओके प्रॉपर सर्विस सेंटर यहां पे ऑल इंस्ट्रूमेंट रिपेयर होते हैं वहां पर मतलब एक बार विजिट करके देखना पड़ेगा तो मुझे आप बताइए सबसे ज्यादा मतलब गिटार के ऊपर ही फोकस होता है गिटार जाता है कीबोर्ड से अभी इसका भी क्रेज है क्रेज है हाँ क्रेज है इसीलिए तो हम आया ना लास्ट ईयर गिटार के लिए आया था इस साल इसके लिए आया था और आना होगा ये क्या है ये यूकुलेले बोलते हैं ऐसे ओके इसमें भी अलग अलग साइज होता है ये सोप्रानो है जैसे ये कॉन्सर्ट है ओके मोस्टली इसमें कैसा कॉर्डिंग हो गए सिर्फ कॉर्डिंग पे ही प्ले होता है अलग ही इंस्ट्रूमेंट है थोड़ा मिक्स किधर कैरी करना है लेके जाना है ये यूट्यूब कैरी रहेगा पर स्मॉल है और साउंड भी इसका बहुत अच्छा क्यूट है ओके हाँ ये तो वो सुनने भी अच्छा लग रहा है तो मुझे यहाँ तक लगता है ना कि जो गिटार है ना वो फेमस है लड़कियों की वजह से एक्चुअली हाँ गिटार का क्रेज थोड़ा भी ज़्यादा है डी डी एल जी से चलते आ रहा है हाँ, और अभी चल ही रहा है यंग जनरेशन में भी थोड़ा गिटार में ज़्यादा जाते हैं किसी को कीबोर्ड भी डिपेंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर रहता है मुझे तो ठीक है हम ये देखते हैं इसे प्ले करिए देखते हैं एक बार तो आ गया वीडियो आप देखते हैं बेटर लगे वो आ गया वीडियो प्ले करके देखते हैं पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल इमरान 16 और आज का वीडियो बनाने में हेल्प किया अभिषेक शर्मा ने साथ आप रोहित डगे और सुशील शिंदे सॉरी मेरा जबान बम्बल कर रहा तो ठीक है आप इधर विजिट करिए रेसोनेंस म्यूजिकल चेंबूर तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद